इस फिल्म का सब्जेक्ट सोशल इमोशनल एक्शन है और पॉलिटिकल बेस्ड है. इसमें प्रिंस अमित जी, मैं, ओलिविया, राहुल रॉय, असरानी जी, परीक्षित सहानी जी, ब्रिज गोपाल जी, तेज सप्रू जी और सोमेश जी इसमें काम कर रहे हैं. और भी काफ़ी लोग हैं जो टॉलीवुड मतलब टालीगंज कोलकाता के फिल्म इंडस्ट्री से भी काफ़ी लोग इसमें काम कर रहे हैं. हमारे इस फिल्म में ऑल ओवर इंडिया मतलब भारत के सभी जगह और सभी प्रांत से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को कास्ट किया गया है. सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए, क्या सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट पुलिस कॉप बेस्ड है, पुलिस बेस्ड सब्जेक्ट है. आप कह सकते हैं पुलिस और राजनीति और सब कुछ एक मिक्स्ड है. इससे ज़्यादा मैं इस वक्त नहीं बता पाऊंगी. और क्या इंस्पायर किया आपको ये सब्जेक्ट चुनने के लिए फिल्म मतलब ये माहौल को देख के नहीं, हमें इस तरह की फिल्म बनानी थी जो मतलब पूरा परिवार साथ बैठ के देख सके. इसमें सब कुछ है, टोटल फुल कमर्शियल मूवी है, सब कुछ है इसमें जो एक मूवीज में होता है, बट पूरी पूरे परिवार के साथ आप देख सकते हैं. जैसा आपने बताया असरानी है फिल्म में, पर जी इनको कन्विंस करना कितना डिफिकल्ट है इस फिल्म के लिए? मेरे जो डायरेक्टर हैं सुदीप डी मुखर्जी, उनका जो नरेशन जो रहता है आर्टिस्टों का वो बहुत अच्छा है, तो उनकी नरेशन की तारीफ काफी लोग करते हैं. इस फिल्म से राहुल रॉय भी 25 साल बाद कम बैक कर रहे हैं एज अ हीरो, वो मेरे ऑपोजिट में है, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, तो वो कन्विंस हो जाते हैं क्योंकि सुदीप अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट बाउंड स्क्रिप्ट किसी को नहीं देते हैं, तो उसी शर्त पे उन्हीं आर्टिस्ट डायरेक्टर के पे फेथ करके काम करें. अच्छा, आपने पहले भी काम किया, लीडर फिल्म में काम किया है, भोजपुरी फिल्म के बारे में पूछना चाहूंगा कि आज के दौर में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का क्या स्तर है और ऊंचा करने के लिए क्या करना चाहिए? भोजपुरी का तो मैं इतना बता सकती हूँ कि मैं भोजपुरी फिल्मों की डबिंग करती हूँ और मैंने एक भोजपुरी फिल्म की थी काम, रिहाई करके एक्टिंग की थी. और भोजपुरी फिल्में जो बनती है उनका कहना है कि जो डिमांड है उस हिसाब से बन रहा है, लेकिन मुझे पहले की भोजपुरी फिल्में ज्यादा अच्छी लगती थी. जो पहले बनती थी सुजीत कुमार या पद्मा खन्ना वगैरह के टाइम पे, वो फिल्में ज्यादा भोजपुरी लगती थी नाम के हिसाब से, टाइटल के हिसाब से और जो बैकड्रॉप रहता था. अभी थोड़ा सा रीमेक टाइप का लगता है, नाम भी सारे हिंदी हो गए, अच्छा नहीं लगता. टिपिकल भोजपुरी नाम ना लंबा लंबा अच्छा लगता था. आज जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, फोटोशूट हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, आज चट्टान का फोटोशूट है. उसके बाद हम लोग 30 नवंबर को इसकी शूटिंग के लिए बोलपुर शांति निकेतन वेस्ट बंगाल के लिए एक महीने के लिए निकल जाएंगे. ये बताइए कितना कॉन्फिडेंस है कि क्या रिस्पांस होगा, किस तरह का रिस्पांस होगा? फिल्म रिलीज होगी, अभी से एक्साइटमेंट सबको है इस फिल्म के. गाने लोगों को, जो रफ गाने मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया था वर्क वीडियोस, लोगों को गाने अभी से पसंद आ रहे हैं. मुझे गाने के राइट्स खरीदने के लिए काफी ऑफर्स ऑलरेडी आ चुका है, मैं बाद में डिसाइड करूंगी. और लोग एक्साइटेड है, वो देखना चाहते हैं क्योंकि इसमें महाकालेश्वर उज्जैन पे एक गाना है जो मुझ पे शूट होगा, वो बहुत ग्रैंड गाना है. वो गाना ऑलरेडी बहुत लोगों को पसंद आने लगा है, लोग उसका डिमांड करने लगे हैं. तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. जैसा आपने बताया राहुल रॉय के अपोजिट हैं इस फिल्म, जी जी, काफी बड़े कलाकार हैं, जी उनका काफी नाम है, जी. लेकिन आपने कोई यंग एक्टर को क्यों नहीं मौका दिया इस फिल्म में? यंग एक्टर तो है जो यंग लीड कर रहे हैं प्रिंस अमित. अच्छा, राहुल रॉय मेरे साथ है तो मैं अभी 45 में तो मैं किसी 25 साल के हीरो के साथ तो काम नहीं करूंगी ना. हाँ, वो पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर. तो उनका होना फिल्म में कितना फायदेमंद रहा, क्योंकि वो जाना पहचाना चेहरा है काफी. हाँ, उनका ही मेरे डायरेक्टर के साथ अच्छा रहा, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और उनका एक कमबैक ये बहुत अच्छा रहेगा कि वो एक्शन में नजर आएंगे, राहुल रॉय इन एक्शन. और आगे कलाकार के तौर पे किस तरह की फिल्में करेंगे या डायरेक्टर के तौर पे किस तरह की फिल्में आप? मैं जितनी भी फिल्में मैं बनाऊंगी एज अ प्रोड्यूसर जो मैं बना रही हूँ, वो सारी फिल्मों में एक्शन इमोशन और कंटेंट, जो आज का जो कंटेंट है वो रहेगा ही रहेगा. मुझे साफ सुथरी फिल्में बनानी है जो सब लोग बैठ के देख सके. मैं प्रिंस अमित हूँ और अभी मेरी पहली फिल्म थी इंडस्ट्री में निडर, जो काफ़ी अच्छी रही है और उसमें मेरे रोल को काफ़ी लोगों ने प्रशंसा की है.
काफ़ी अच्छा बिजनेस उस पिक्चर ने किया है। कप्तान का एक्चुअल में इसमें मेरा पुलिस ऑफिसर का रोल है और मुझे पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुखर्जी साहब को, उन्होंने मुझे पुनः एज ए लीड रोल में लिया। मुझे लगता है कि इसमें मेरा पुलिस का रोल है और काफ़ी अच्छा है और बहुत ही अच्छा लोग मेहनत इसमें कर रहे हैं। मैं बचपन से अभिनय से जुड़ा हुआ हूँ और समय समय पर मैं अभिनय करता रहता हूँ रंगमंच में और बाकी मैं मछली में जो कि आया हूँ तो मेरी पहली फिल्म एडिटर थी जो काफ़ी ठीक रही, लोगों ने प्रशंसा भी की और ये भी बहुत अच्छी फिल्म है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अभी वरिष्ठ कलाकार मेरे साथ काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी अभी मेरे डिजाइन तो जानकारी नहीं है लेकिन काफ़ी जो भी रहेगा काफ़ी Thank you.